कैंसर को मौत का पर्याय माना जाता है। हमारी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो गई है कि कैंसर ने हमारे इस लाइफस्टाइल में ही घुसपैठ कर लिया है। कैंसर हमें बिल्कुल तोड़ देता है, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, मतलब ये हमें किसी भी तरीके से जीने नहीं देता। हम इतने परेशान हो जाते हैं कि कई बार दुआ करते हैं कि इससे अच्छा तो मौत ही भली थी। इस नाउम्मीदी के दौर में कोई तो मसीहा होगा जो कुछ उम्मीद दे सके, कोई तो ऐसा होगा जो हमें इस मुश्किल के बाहर निकाल सके। अक्सर हम ढूंढते हैं, हम हर दर पे जाते हैं, लेकिन हर दर से हमें वो चीज नहीं मिल पाती जो हमारी जिंदगी को बदल सके। आज हम आपको उसी दर पर ले जाना चाहते हैं जहां से उम्मीद की किरण आप भी देख पाएंगे। आज हम बात करेंगे कैंसर हीलर सेंटर की। कैंसर हीलर, उम्मीद की एक किरण, आपकी जिंदगी में किरण और रोशनी लाने के लिए हमारे साथ रहते हैं डॉक्टर तरंग कृष्णा, जिन्होंने सालों के रिसर्च के जरिए लोगों की जिंदगी को बदल दी है। कैंसर जैसे भयानक बीमारी से बाहर कैसे निकलना है उसका रास्ता हमें दिखा दिया है। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, आसान नहीं है। वो उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब किसी तरीके से उन्हें बचा लीजिए। एक ऐसा खौफ उनके अंदर पैदा हो गया है जिसमें उन्हें साफ दिख रहा है कि उनका परिवार खत्म हो जाएगा। ऐसे में उस पेशेंट को उम्मीद देना, ऐसे में उस पेशेंट को होप देना कि नहीं, जितना जीना है एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ तो जियो। कैंसर की एक अजीब ही टेंडेंसी है, एक मरीज को वो नहीं मारता, उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को मार देता है। जो मेरी दवाइयां हैं, जो हमारा ट्रीटमेंट है, वो मुझे पॉजिटिविटी देता है। जब मैं सुबह सुबह वॉक करता हूं तो जब आप चिड़ियों की चहचहाट सुनते हो, एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर इन्फ्यूज होती है। जब आप अपने परिवार में रहते हैं, आपको वाइफ से, बच्चों से, हर किसी से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। पेशेंट जब मेरे क्लिनिक पर दोबारा आता है और उसके चेहरे पर मैं जब खुशी देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि आज मैं फिर जीत गया। एक और लाइफ बचा लिया, एक और मरीज को बचा लिया जो कैंसर से जूझ रहा था, एक परिवार बचा लिया। कैंसर हीलर सेंटर का मिशन है अ न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत। आपकी इस जर्नी में मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कैंसर हीलर सेंटर आपके साथ खड़ा है, और मैं तब तक आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा जब तक हम कैंसर से जीत नहीं जाते। और जब आप जीतते हैं कैंसर से, तब उस जीत में मेरी जीत होती है। कैंसर के प्रति जागरूकता लाने के लिए ही हमने इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया है, और हम स्वागत करना चाहेंगे जाने माने कैंसर एक्सपर्ट डॉक्टर तरंग कृष्णा जी का। डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। वेलकम डॉक्टर साहब, वेलकम। दोस्तों, महिलाओं में कैंसर के इंसिडेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्विक्स कैंसर हो, यूटराइन कैंसर हो। मतलब आपको लगता नहीं है कि ऐसा क्या हो रहा है कि औरतों में इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, वो भी कैंसर के रूप में? कहीं ना कहीं जो खास बात है वो ये है कि हम नज़रअंदाज करते हैं अपने बॉडी के सिग्नल्स को, या फिर हम बाकी चीज़ों को तवज्जो देते हैं लेकिन अपनी बीमारियों को, अपनी परेशानियों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने बारे में भी सोचें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगी तो ही आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। डॉक्टर तरंग कृष्णा हमेशा हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें बारीकियां बताते हैं जिन्हें स्वयं हम समझकर इस बीमारी से बच सकते हैं, कैंसर रूपी बीमारी को दूर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे सर्विक्स के कैंसर के बारे में। इस कैंसर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जो लोग इससे अवेयर हैं वो इससे बचने के तरीके भी जानते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम सर्विक्स कैंसर क्या है, उनके लिए ही ये खास कार्यक्रम है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप मुझे सबसे पहले ये समझाएं कि सर्विक्स कैंसर किसे कहते हैं। जी देखिए, सर्विक्स कैंसर बच्चेदानी का कैंसर होता है। सर्विक्स कैंसर जो यूट्रस होता है, यूट्रस के आगे जो उसकी ओपनिंग होती है, वहाँ पर उस पार्ट को सर्विक्स कहा जाता है। जब वहाँ पर किसी प्रकार की अननेचुरल ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, जब वहाँ पर एबनॉर्मल सेल्स होनी शुरू हो जाते हैं, सेल्स बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं,
कई सारे फैक्टर्स की वजह से, स्मोकिंग, अल्कोहल, बाकी और रीजंस, हेरिडिटरी, मैं उस फैक्टर्स पे बाद में आऊँगा, जिन सब फैक्टर्स की वजह से जब आपकी इम्यून सिस्टम, जो लेडीज़ का इम्यून सिस्टम गिरता जाता है, इम्यून सिस्टम कोप अप नहीं कर पाता, जहाँ पर सेल्स जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, हर शरीर के अंदर, तो वहाँ पर बहुत तेज़ी से एबनॉर्मल ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, वो फिर सर्विक्स कैंसर का रूप ले लेती है, सर्वाइकल कैंसर का रूप ले लेती है। कई सारे कारण हैं, कई सारी वजह हैं जिसकी वजह से ये होता है, बट जनरली अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है जी। लेडी जो होती है, जो फीमेल होती है, जो महिला होती है, चाहे बीवी के तौर पर, चाहे माँ के तौर पर, चाहे बेटी के तौर पर, एक पिलर की तरह हमेशा रही है। वेरी ट्रू डॉक्टर साहब। पूरा घर एक जो संभालती है वो लेडी संभालती है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बीवी हो। बीवी अपने पति को, बच्चों को, सास ससुर को संभालती है, माँ बेटे को, बहू को, पोतों को, पोती को, अपने हस्बैंड को, सभी को संभालती है। सो आई पर्सनली फील, मैं ये सोचता हूँ कि लेडी जो है वो पिलर ऑफ द हाउस है। जब वो पिलर सब लोगों का ध्यान रख रही है, अपने ऊपर वो लापरवाह हो जाती है, वो ध्यान नहीं रखती। छोटे छोटे सिग्नल्स दिए जाते हैं, कैंसर कहीं ना कहीं छोटा सा सिग्नल देता है, उसको वो नज़रअंदाज कर देती है, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती, जहाँ पर आगे चल के कैंसर का रूप हो जाता है, कैंसर का रूप ले लेते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सबसे अच्छी बात तो ये बताया कि आपने औरतों को जो है पिलर माना है, दिस इज़ रियली नाइस, क्योंकि अगर ये धराशायी तो पूरा परिवार धराशायी। डॉक्टर साहब, सिग्नल्स जो होते हैं वो हम कैसे पहचानें, क्योंकि कई बार जो इस तरह की बीमारियां होती हैं हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि रूटीन में हमें पेट दर्द होती है, पीरियोडिक प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये चीज़ें तो अक्सर हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, तो हम कैसे पहचानें कि ये सर्विक्स की कैंसर हो सकता है? देखिए, कॉन्स्टेंट इरीटेशन कॉजेज कैंसर। हर एक बीमारी कहीं ना कहीं सिग्नल देती है। अगर लेडीज़ में माहवारी जो होती है, जो मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम्स है, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, अगर ये इरेगुलर है, अगर ये अननेचुरल आ रही है, इरेगुलर आ रही है, या तो फ्लो बहुत ज़्यादा है, ड्यूरेशन कम है या ड्यूरेशन ज़्यादा है, दोबारा जो साइकिल है वो साइकिल प्रॉपर नहीं आ रही, ये फर्स्ट सिम्टम है कि हो सकता है कि सर्विक्स कैंसर हो। हालांकि देर आर अदर सिम्टम्स ऑल्सो, दूसरी बीमारियां भी हैं जिसमें ये सिम्टम्स आते हैं, बट अगेन दीज आर लाइक, उनमें से एक बीमारी के सर्वाइकल कैंसर भी हो सकती है। वेजाइनल ब्लीडिंग होना, जो फीमेल्स हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको ब्लीडिंग आ जाना, बार बार जब वो यूरिन करने जा रही हैं या इन जनरल उनको ब्लीडिंग आ रही है, बीच में मेंस्ट्रुएशन वो समझ रहे हैं कि कहीं ये पीरियड्स तो नहीं, और हर हफ्ते या हर 15 दिन में उनको ब्लीडिंग आ रही है, या फिर डिस्चार्जेस आने शुरू हो जाना, पस आ रहा है या फिर स्मेल आ रही है, उसमें भी सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। जब वो शारीरिक संभोग कर रहे हैं, जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, उस टाइम पर उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होना और उसके बाद ब्लीडिंग आना, उसमें भी सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप इतने सारे सिम्टम्स मुझे बता रहे हैं, इनसे हर फीमेल अपने आप को कहीं ना कहीं रिलेट कर सकती है, तो उसका मतलब क्या हम ये मान लें कि अगर जैसे एक्सेसिव ब्लीडिंग की बात कर रहे हैं या इरेगुलर रेट्स की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब हम ये मान लें कि हमें अब कैंसर का टेस्ट करवा लेना चाहिए? नहीं, रूटीन स्क्रीनिंग ज़रूर करानी चाहिए। स्क्रीनिंग मतलब, अगर देखिए, ऑन एन एवरेज आफ्टर 30 इयर्स हर फीमेल को, हर इंडिविजुअल को कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग रेगुलर कराती रहनी चाहिए, बिकॉज अगेन अवेयरनेस इज़ बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर आप उसकी रेगुलर स्क्रीनिंग कराते हैं, सो आप अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, आप बीमारी को समय रहते हुए पकड़ सकते हैं और उसका अकॉर्डिंगली इलाज करा सकते हैं। राइट। जो भी सिम्टम्स मैंने कहे, ज़रूरी नहीं है कि ये, अगर जैसे वजाइनल ब्लीडिंग है या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है या फिर पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स है या कोई भी परेशानी, ये सब सिम्टम्स किसी और बीमारी में भी होते हैं, ज़रूरत है डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, वो डॉक्टर्स करते हैं। बट हाँ, अगर आप स्कैन करा लेंगे या फिर अगर आप पैप्समियर या फिर दूसरे टेस्ट है, CA125, CA मार्कर्स, अगर आप ये सब करा लेंगे, तो अगेन आप बीमारी को एक जल्दी से पकड़ सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर्स ने अगर आपको ये टेस्ट बोला है तो आपको ये बीमारी हो गई है, बट डॉक्टर्स ये टेस्ट आपको इसलिए कहते हैं कि अगर ऐसा कोई सिम्टम लग रहा है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप बीमारी को पहले समय रहते हुए पकड़ लो और उसका समय रहते हुए इलाज करा लें। डॉक्टर साहब, जैसे सर्विक्स की प्रॉब्लम है, इसकी ये बीमारी है, ये हेरिडिटरी हो सकती है, उसका मतलब हम ये भी मान के चलें कि इसमें उम्र की भी कोई सीमा नहीं, यानी ये इनिशियल एज में भी ये बीमारी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है,
सर्वाइकल कैंसर अर्ली स्टेजेस में भी होता है, सर्वाइकल कैंसर इवन लेट उम्र में भी होता है. मेरे पास एक लेडी है जो 88 इयर्स में आई है और उनको सर्वाइकल कैंसर हुआ है. अच्छा. उन्हें ब्लीडिंग होनी शुरू हुई, उनके बेटे बहू परेशान थे, उन्होंने फ़ोन किया हमारे सेंटर पर आकर मिले. तो जब उन्होंने नॉर्मल जब स्कैन कराया, जब उन्होंने टेस्ट कराए, तो पता चला कि सर्विक्स में एक लीजन है, सर्वाइकल लीजन है. जब उसको पता चला, उन्होंने फाइनली आगे जाके जाँच कराई, तो उससे पता चला कि CM125 बहुत ज़्यादा रेस्ट था. बाकी परेशानियाँ, उनके और भी कंप्लेंट्स आने लगी, पेन होने लगा, वज़न घटने लगा, भूख कम हो गई थी, इच्छा नहीं होती थी कुछ भी खाने की. सो फाइनली जब फर्दर स्क्रीनिंग हुई, तो पता चला कि 88 इयर्स में भी सर्विक्स कैंसर डायग्नोज हुआ है. शी रिस्पॉन्डेड वेल टू आर ट्रीटमेंट, इम्यून सिस्टम बढ़ा. नेचुरल बात है, 88 साल में ना कीमो हो सकती थी, ना रेडिएशन हो सकता था. दे स्टार्टेड विद आर ट्रीटमेंट जस्ट बिकॉज हमारे ट्रीटमेंट के, क्योंकि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. इवन एडवांस स्टेजेस पे भी काम करती हैं, एज 90 साल भी हो उस पर भी काम करती है. सो शी रिस्पॉन्डेड वेरी वेल. उनको रिपोर्ट्स धीरे धीरे करके जब काउंट्स हुए, तो काउंट्स नॉर्मल आने लगे. रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आई, ये मैं बताना चाहूँगा, रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आई, लेकिन रिपोर्ट्स में रिग्रेशन ज़रूर था. अच्छा. और कैंसर की वजह से कॉज ऑफ डेथ नहीं हुई. सो आज भी उनके जो बेटा बहू हैं, वो रूटीन में हमारे स्क्रीनिंग कराने आते हैं. दे कम, दे सी अस एवरी ईयर. और वो इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि 88 साल में उनकी मदर को भी इम्प्रूवमेंट दिखा. सो कैंसर हीलिंग सेंटर एक ओवरऑल इसी अप्रोच के साथ जाता है कि अगर ट्रीटमेंट है, अगर लास्ट स्टेजेस में भी डायग्नोज हुआ है या अर्ली स्टेजेस में भी डायग्नोज हुआ है, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है. अगर डायग्नोज नहीं भी हुआ, तो आप स्क्रीनिंग करके अपना रूटीन में चेकअप्स करा सकते हैं, आप उसको स्क्रीन कर सकते हैं, आप उसको समय रहते हुए पकड़ सकते हैं. डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट के बाद कोई पेशेंट बिल्कुल ठीक हो चुका है, अब आप उसे कहते हैं कि नाउ यू आर ऑल राइट, अब आपको किसी भी तरह की किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद कैंसर हीलर सेंटर हमारा क्या फिर भी सपोर्ट देता रहता है? बिल्कुल. कैंसर हीलर सेंटर में हर मरीज का हाथ थामा जाता है, उसको उसके साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला जाता है. उसका हाथ पकड़ कर, वो जो हैंड होल्डिंग होती है, वो आखिर तक होती है जब तक मरीज पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता. ठीक होना ना होना खैर ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन कहाँ तक बीमारी फैली हुई है उस पर भी है, कितना एक्सटेंड हो चुका है, क्या मरीज का विल पावर है, क्या उसका मेंटल स्टेटस है, इस पर भी डिपेंड करता है. लेकिन कैंसर हीलर सेंटर बीच में अपने मरीज को नहीं छोड़ता. ऐसा नहीं होता कि पेशेंट दवाई ले रहा है, मरीज इम्प्रूव करना बंद कर गया. ऐसा जनरली टचवुड भगवान की दया से ऐसा कभी नहीं हुआ. बट अगेन, हर केस डिफरेंट होता है, हर पेशेंट डिफरेंट होता है. तो अगर वो हैंड होल्डिंग है, वो हैंड होल्डिंग थ्रू आउट रहती है. पेशेंट को इमोशनली स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है, मेंटली स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है. ओवरऑल हर एक चीज़ से, दवाइयों से नेचुरल बात है, जब इम्यून सिस्टम बढ़ रहा है, उसके साथ साथ मेंटली और इमोशनली भी उसको स्ट्रेंथ दी जाती है. क्योर हो गया, उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई, उसके बावजूद हर 3 महीने में उसकी जाँच कराई जाती है, उसके बाद हर 6 महीने में, उसके बाद हर साल भर में, और टाइम टाइम पर, समय समय पर उससे फॉलो अप लिया जाता है. राइट. सो एवरी कैंसर पेशेंट, जो भी कैंसर मरीज है, जो कैंसर हीलर सेंटर में ट्रीट करा रहा है, जो ट्रीटमेंट करा रहा है, वो जानता है कि कैंसर हीलर सेंटर हाथ पकड़ के चलने वालों में से है, हाथ छोड़ता नहीं है. और उसके लिए हर एक पेशेंट स्पेसिफिक है, हर एक पेशेंट इंडिविजुअलाइज है, इंडिविजुअलाइजेशन पर दिया जाता है, इंडिविजुअल के बेसिस पर दिया जाता है कि जो भी है, अगर जंग जीतनी है, एक और एक 11 है, मरीज अकेला नहीं है, मरीज के साथ कैंसर हीलर सेंटर मिलकर एक और एक 11 हो रहे हैं, जंग जीतते हैं, उससे लड़ते हैं, उससे जीतते हैं, और फिर जीतकर एक नई उम्मीद के साथ वो आगे की जिंदगी जीता है. सो डॉक्टर साहब, दिस इज रियली अ लवली थॉट. इस पॉजिटिव थॉट के साथ कौन व्यक्ति नहीं ठीक हो जाएगा? मुझे लगता है कि आपका जज्बा ही पेशेंट्स के अंदर आता है, और वो भी एक फाइटर की तरह अपनी बीमारी से लड़ने की कोशिश करते हैं. बीमारी डिटेक्ट होते ही अगर आप कैंसर हीलर सेंटर आ जाते हैं, यकीन मानिए, समय के साथ साथ आप बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी, और किसी भी तरह का कैंसर आपको परेशान नहीं कर सकता. लेकिन अगर आप बहुत प्रैक्टिकल्स कर चुके हैं, तो भी मत डरिए. ऐसी स्थिति में भी कैंसर हीलर सेंटर आपका साथ नहीं छोड़ेगा, वो आपको बाकायदा वापस हेल्दी बनाएगा, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा. ये हमारा वादा है कि आपकी बीमारी को या आपकी केस हिस्ट्री को हम हर किसी से शेयर नहीं करते, जब तक आप स्वयं नहीं चाहेंगे, जब तक आप स्वयं लोगों को नहीं बताएंगे. वैसे भी टीवी स्क्रीन पे जो नंबर है, उसे नोट कीजिए, कॉल कीजिए. आपकी परेशानी सिर्फ आपकी नहीं, आपके परिवार की भी है, और हम भी कहीं ना कहीं आपके परिवार के सदस्य हैं, और हम चाहेंगे कि हम आपकी परेशानी को सुने, समझें, और उसे ज़रूर दूर करें इम्यूनोथेरेपी के द्वारा.
डॉक्टर साहब, चलते चलते अगर दर्शकों को कोई टिप देना हो, स्पेशली इन लेडीज़ को जिन्हें समझाना सबसे मुश्किल काम होता है, मेरे ख्याल से इनको आप जितना भी समझा लीजिए ये अपने ऊपर ख्याल नहीं रखती, इनके लिए क्या टिप आपके पास होगा? मैं सभी महिलाओं को, सभी लेडीज़ को, सभी गर्ल्स को यही कहना चाहूँगा, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। आप पूरे परिवार का पिलर है, आप पूरे परिवार का स्तंभ हैं। कहते हैं कि हस्बैंड पूरे परिवार का स्तंभ होता है। मेरा पर्सनली मानना है कि लेडीज़, जो फीमेल्स हैं, जो माँ हैं, जो पत्नी हैं, जो बेटी है, वो भी परिवार का स्तंभ होती है। माँ सबसे पहले, माँ अपने पति का ध्यान रखती है, अपने बेटे का ध्यान रखती है, अपने बहू का, अपने पोते का, पोती का, सभी का ही। बीवी पति का, सास ससुर का, अपने घर का, अपने मदर फादर का, मायके का भी, और अपने बच्चों का भी। अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत करिए। कोई भी चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है, फौरन समय रहते हुए डॉक्टर के पास जांच ज़रूर कराएं। हस्बैंड उस समय ध्यान नहीं देते, हस्बैंड उस समय नहीं सोचते चलो अब कोई बात नहीं बाद में चले जाना, लेकिन जब वो परेशान होते हैं, जब आप बीमार पड़ते हैं, तो आपके साथ साथ जो बार बार डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं उससे उनका काम सफ़र होता है। हस्बैंड को ये समझाइए, ज़रूरत है आपके सोच की, अपना सोच। एक माँ जब 9 महीने अपने बच्चे को रखती है अपने पेट के अंदर, तो पूरा जो उसके थॉट्स होते हैं वो सारे थॉट्स उसके बच्चे के अंदर आते हैं। तो सोचिए, एक माँ सारा दर्द सहती है, सब कुछ करती है बच्चे को वो करने के लिए। ये चीज़, ये सोच अपने बीमारी के लेकर, अपनी सेहत को लेकर ज़रूर लाएं। अपनी सेहत इतनी मजबूत करें कि कोई बीमारी आपको छू ना सके, और अगर कैंसर हो गया तो नाउम्मीद ना हो, लड़ें, जीतें। कैंसर हीलर सेंटर आपके साथ खड़ा रहेगा, आपको जीत कर दिखाएगा और आपके जीत के जज्बे को कभी मरने नहीं देगा। That's really lovely, डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने जो हमें बातें बताई हैं, इससे हम सबको एक मोटिवेशन मिल रहा है, हम सबके अंदर उम्मीद जगी है कि कैंसर हमें नहीं मार सकता, हम कैंसर को ज़रूर मार देंगे एक दिन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू डॉक्टर साहब। दोस्तों, आज का जो हमारा ये कार्यक्रम था ना, ये ख़ास तौर पर आप तमाम महिलाओं को समर्पित था, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप समझें अपनी बीमारियों को, आप समझें अपनी इम्पॉर्टेंस को भी, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो पूरा परिवार स्वस्थ है। और आपके स्वास्थ्य की हम रक्षा करने के लिए मौजूद हैं कैंसर हीलर सेंटर के ज़रिए। आप टेलीफोन के ज़रिए हमसे संपर्क में रह सकते हैं, टेलीफोन के ज़रिए अपनी मेडिसिन मंगवा सकते हैं अगर ये डायग्नोज हो जाए कि आपको कैंसर है। हर घड़ी हर पल हमारा साथ रहेगा, इसी तरह से हमसे मिलते रहिए, रोज़ आपको कुछ ना कुछ खास बताएंगे ताकि आप कैंसर जैसे रोग से बचे रह सके। नमस्कार। हमारा पता है कैंसर हीलर सेंटर, सेंट्रल क्लिनिक, D842, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, बिहाइंड सूर्या होटल, न्यू दिल्ली 110025। फोन नंबर्स 011-4163-4550-011-2693-2782। पीतमपुरा क्लिनिक, यूनिट नंबर 808, पर्ल बेस्ट हाइट्स 2nd, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। फोन नंबर 011-4745-4454। मुंबई क्लिनिक, A7 आशा कॉलोनी, अपोजिट होटल सी प्रिंसेस, जुहू तारा रोड, जुहू मुंबई, 400049। फोन नंबर 09892381000। चंडीगढ़ क्लिनिक, SCO 89, सेक्टर 38C, चंडीगढ़। फोन नंबर 08427-5536। अहमदाबाद क्लिनिक, B705, सॉलिटेयर कॉरपोरेट, SG हाईवे, नेक्स्ट टू दिव्या भास्कर ऑफिस, अहमदाबाद 380051। फोन नंबर 09992559784। इंदौर क्लिनिक, FF5, स्कीम नंबर 54, विजयनगर, अपोजिट अपोलो राजश्री हॉस्पिटल, इंदौर। फोन नंबर 07314-293343। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से सायंकाल 7 बजे तक। हमारा ईमेल एड्रेस है info@cancerhealer.in। हमारी वेबसाइट है www.cancerhealercenter.com।